हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश चावला आयोनिक्स से आज आपके सामने लेके आया हूँ 12 नोजल से चलने वाला एक फॉगिंग सिस्टम आयोनिक्स का फॉगर किट। इसको बनाना और लगाना बहुत आसान है। ये आप अपने घर में या किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, अपने फार्म हाउस में, अपने डेयरी फार्म्स में एनिमल्स के लिए और किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको मिस्टिंग का जरूरत है या फॉग का जरूरत है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपके सामने पहले इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके बाद इसको कैसे लगाना है वो भी आपको अभी लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इस तरह के बॉक्स में के बाद शिप किया जाता है, जिसके अंदर जो सारा सामान है अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जो 12 नोजल वाला किट है उसमें हम आपको देते हैं 20 मीटर पाइप, 100 जीबीडी का बूस्टर पंप, एक एसएमपीएस पंप को चलाने के लिए, एक यूएफ फिल्टर, 12 नोजल और कनेक्टर्स के साथ में पाइप कटर वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैं अभी इंडिविजुअल पैकिंग को खोल के दिखा रहा हूँ आपको। एसएमपीएस है आयोनिक्स का 24 वोल्ट का, ये 25 पीसेस नोजल है, 12 पीसेस सॉरी। ये वाटर फिल्टर है, ध्यान रखिएगा कि ये वाटर फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नोजल बार बार चोक होता रहेगा। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, वॉशेबल होता है, आप इसको वॉश कर सकते हैं, उल्टी तरफ से फ्लो देके ये साफ हो जाता है बहुत इजीली, इसीलिए हमने इसको यूज किया है। ये साथ में इसके कनेक्टर्स आते हैं। आपको क्या करना है बेसिकली सिस्टम को चालू करने के लिए, इसमें दो पंप के कनेक्टर्स मिलेंगे, पंप के कनेक्टर्स पंप के बॉक्स में होंगे। ये पंप का बॉक्स है जिसमें आपके दो कनेक्टर, बूस्टर मोटर ये सब रहता है। आपको सिस्टम रेडी करने के लिए क्या करना है, पंप से पहले आपको ये हटाना है और पंप के दोनों एल्बो के ऊपर आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है। टेफ्लॉन करना पड़ता है, जहां पे भी मेल फीमेल कनेक्टर आपको यूज करने हैं वहां टेफ्लॉन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लीकेज होगा। इस तरह से आपको टेफ्लॉन करना है, इसको पंप में लगाना है, कनेक्टर को दोनों तरफ टाइट कर देना है प्रॉपरली। फिर ये SMPS है, SMPS को पंप से जोड़ना है। अगर आपका इसमें व्हाइट कलर का कनेक्टर आता है तो आप उसको काट सकते हैं, ये डायरेक्ट आप दोनों में से किसी को भी किसी से भी जोड़ सकते हैं। डीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको व्हाइट वाला किससे ज्वाइन करना है, ब्लैक से रेड से किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तारों को आपस में जोड़ देना, ये आपका पंप का सेटअप रेडी हो जाता है। बस आपको ये पावर में लगा के इसको ऑन करना है। अब हमें नोजल्स को कैसे जोड़ना है ये देखते हैं। ये टी कनेक्टर्स हैं, इसमें बस आपको नोजल को पुश करना है, इट्स सो इजी, जस्ट कीप ऑन पुशिंग द नोजल्स। लेट्स से मुझे सिर्फ 5 नोजल यूज़ करनी है, 4 नोजल्स तो टी कनेक्टर के ऊपर हो गया और एक एंड पॉइंट के लिए डबल पुश कनेक्टर के ऊपर। हमेशा एंड पॉइंट का नोजल जो है वो डबल पुश कनेक्टर पे रहेगा। इनपुट पे हमेशा हमें फिल्टर लगाना है पंप के इनपुट के ऊपर, इस पे भी डबल पुश कनेक्टर रहेगा, ये डबल पुश कनेक्टर हमने इस पे ऐसे जोड़ दिया। 5 मिनट के अंदर आपका सिस्टम रेडी हो गया। अभी क्या करना है, जो आपका एंगल वॉल रहेगा जहां से आपको पानी का सप्लाई देना है वहां पे ये लगाया जाएगा और उसके बाद हम उस पे पाइप लगाएंगे। मैं आपको पाइप कैसे लगाना है ये बता देता हूं। ये 20 मीटर पाइप का लेंथ है, पाइप आप खोल लीजिए और लगभग एक नोजल से आप 4 फुट 4.5 फुट का एरिया कवर कर सकते हैं। ये पाइप कटर भी हमने साथ में दिया है। लेट्स से कि आपको 5 फुट पे नोजल लगानी है तो आप यहाँ इतने डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं। आप ये कट कर लीजिए पीसेस को। मैं अभी रेफरेंस के लिए 5 नोजल लगा रहा हूँ, जो कि ये 2 से 3 फुट के डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ। मैंने 5 पाइप के टुकड़े काट लिए हैं 5 नोजल्स को कनेक्ट करने के लिए। अब इसको जो हमारा पंप का आउटपुट है वहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो पहली नोजल मैं पंप के पास में कनेक्ट कर देता हूँ, लेट से जहाँ पे काटा है वहीं पे कर देते हैं। सिर्फ इसको ऐसे कनेक्ट करना रहता है। उसके बाद एक अगला पाइप लगा के कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेकंड नोजल को कनेक्ट कर दिया है, फिर एक और पाइप जोड़ के तीसरे सिस्टम को। ये सब कुछ पुश फिट है तो इजिली आप इसको आराम से दबा के सेट कर सकते हैं। पाइप से पाइप जोड़ना है, लास्ट में मैंने बताया आपको डबल पुश का कनेक्टर लगाना है। ये आपका पाइप का एंड हो गया। तो ये आपको पंप के आउटपुट पे सिस्टम जोड़ना है, हमने ये जोड़ दिया है। अब हम पंप के इनपुट का सिस्टम बनाते हैं। पंप के इनपुट के सिस्टम के लिए एक पाइप का टुकड़ा ले लेते हैं। ये पंप के इनपुट सिस्टम के लिए हमने एक पाइप ले लिया है, एक बीच में फिल्टर लगाने के लिए हम इसको कट कर लिया। ये पंप का इनपुट पे जुड़ गया, यहाँ पे पानी के फ्लो का डायरेक्शन लगाया तो इनपुट पे मैंने जोड़ दिया। फिर मैंने इनपुट के ऊपर ये फिल्टर जोड़ दिया, फिल्टर के ऊपर भी इन आउट का डायरेक्शन लगा है। एक तरफ से हमने इसको इन किया और ये आउट है, ये आउट पे जोड़ा पाइप को और आगे का हमने इन पे जोड़ दिया। अब ये पंप के इनपुट के ऊपर हमने यूएफ को लगा दिया। अब हमने ये टैप पे लगा के सप्लाई चालू करना है, मोटर चालू करनी है तो हमारा मिस्टिंग सिस्टम काम करने लगेगा। मैं आपको एक्चुअल में ये कैसे काम करता है अभी टैप के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। ये हमने मोटर के इनलेट के ऊपर फिल्टर लगा दिया है। इस इनलेट को अभी हम नलके से ज्वाइन करेंगे। हमारे पास ये लट्टू कनेक्टर इसको बोलते हैं, ये हम साथ में देते हैं। ये आपका एंगल वॉल है जिसके ऊपर आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है, ये एंगल वॉल पे ही ज्वाइंट होगा। आप दूसरे तरीके से अगर टैप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन निप्पल और हैंडल भी हम आपको पैकेज के साथ में देते हैं, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप ये एंगल वॉल के इनलेट के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाकर इसके ऊपर ये लट्टू को लगा दीजिए और फिर जैसे ही खोलेंगे इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा।
जो हमारा फिल्टर का इनपुट है वो यहाँ ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमें मिस्टिंग करनी है वहाँ पे हम दीवार के ऊपर या कहीं पे भी जो मोटर का आउटपुट आ रहा है वो लगा देंगे। ये 6 mm के पाइप क्लिप भी कुछ पैकेज के अंदर रहते हैं आपके। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम ये 6 mm के पाइप क्लिप लगा देंगे। ये हमने दीवार के ऊपर 1, 2, 3, 4 नोजल और पंप को अटैच कर दिया है। इनपुट हमने पाइप से दे दिया है एंगल वॉल से। ये एक टेम्परेरी सिस्टम मैंने अभी आपके सामने तैयार कर दिया है 6 mm के पाइप क्लिप लगा के दीवार पे। नोजल्स को हम अपनी तरफ कर लेते हैं जहाँ पे हमें सप्लाई देना है। आप ये चाहे तो सीलिंग पे भी लगा सकते हैं। अभी मैं ये मोटर को ऑन कर रहा हूँ, मोटर को ऑन कर दिया है यहाँ से। अब मैं पानी का सप्लाई चालू कर रहा हूँ। हमारे फिल्टर से होते हुए पानी जो है ये हमारे फिल्टर से होते हुए पंप पे जाएगा और पंप से ये सीधा नोजल्स में पानी आना शुरू हो जाएगा और नोजल्स को फिल्टर्ड पानी मिलेगा। मिस्टिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए मिस्टिंग सिस्टम चालू हो गया है। सिर्फ 4 नोजल अभी मैंने लगाए हैं। एक नोजल लगभग 4.5 फुट का एरिया कवर कर सकता है। आप ये इंश्योर करिएगा कि आप जो सेटअप लगा रहे हैं वो आपका मोटर और SMP से थोड़ा दूर रहे। इस तरह से ये मिस्टिंग सिस्टम जो है आप आराम से रेडी कर सकते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगा के आप गर्मी से बचाव कर सकते हैं अपने एनिमल्स का। आप चाहे तो अपने कूलर के आगे इसको लगा सकते हैं, ठंडा पानी आएगा। और भी बहुत सारे यूसेज मिस्टिंग सिस्टम के, जहाँ पे भी गर्मी आपको लग रही है आप ये सप्लाई देके इसको चालू कर सकते हैं। जब आपको बंद करना है, हमने अभी ये टाइमर लगा रखा है, आप इस तरह का टाइमर लगा सकते हैं या आप वाईफाई स्विच लगा के जो पावर सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइमर के थ्रू उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये सब कुछ आइडियाज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और मिस्टिंग सिस्टम लगा के आप अपने एनिमल्स को, आप अपने रेस्टोरेंट में, जहाँ पे भी गर्मी की परेशानी से निजात पा सकते हैं। और कोई सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9999012123 पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।